तो गाइस शाम हो चुकी है और अंधेरा छा चुका है और हम जा रहे हैं अभी लाइव म्यूजिक पार्टी में। तो चलो पहले वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, मैं रेडी हो चुका हूँ। रेडी क्या हो रखा हूँ, बस फ्रेश होकर आ गया हूँ। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं। सो यार दोस्तों, यहाँ चल रहा है लाइव म्यूजिक और खाने पीने का प्रोग्राम भी यहीं पे है, तो सारी फैसिलिटी हो रखी है। चलो पार्टी के मजे करते हैं। ये तो गाइस लेट नाइट मजे हो रहे हैं। ठीक है, स्टेज लगा हुआ है, दूसरा वाला स्टेज दिखाता हूँ आपको मैं। हमारा दूसरा डिनर का प्रोग्राम यहाँ पे लगा पड़ा है। ठीक है, गाइस देखो मून कितना अच्छा लग रहा है रात के टाइम में। हम बादल बिल्कुल साफ है तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और नीचे स्विमिंग पूल है, यहीं पे अभी डीजे बज रहा था और ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रात का नज़ारा, हम टेरेस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे थे हम लोग। ठीक है, हम दोनों ही बैठे थे यहाँ पे, मैं और राज भाई टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास, डीजे वीजे सब बंद हो गया, चलते हैं अपने रूम में। तो लगभग 12 बज चुके हैं और टाइम ज़्यादा हो गया, तो अब चलते हैं रूम में। काफ़ी मौज मस्ती हो गई, डांस वांस जो करना था सब कर लिया, बस अब डिनर विनर हो गया है, तो अब चलो रूम में चलते हैं। तो चले सोने के लिए, सुबह उठ के चेकआउट भी करना है, लेट ज़्यादा हो गया और काफ़ी मौज मस्ती हो गई, तो अब चलो रूम में चलते सीधा। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का एक नए दिन की नई शुरुआत में। सो बहुत लेट नाइट सोए हम लोग, मतलब 2:30 बजे तक सोए हैं और अभी उठ गए हैं, 7 बज गए हैं और फिलहाल जा रहा हूँ जिम। ठीक है, सो जिम में चल के थोड़ी एक्सरसाइज की जाए। राज भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, मैं भी चलता हूँ, बाकी लोग अभी रूम में ही हैं, लेट सोए हैं तो लेट उठेंगे भी, तो मैं जब तक घूम आता हूँ। सो चलो जिम में। कितना वेट लगा रहे हो? 15। गाइस बाइसेप्स देख रहे हो, है एक एक नस बाहर आ रही है निकल के। नहाना धोना हो गया, चलते रूम में चेंज करते हैं और यहाँ से चेकआउट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर अपने अपने घर निकलते हैं। गाइस हैव सम ब्रेकफास्ट, सम नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये देखो थाली भर के ऑल वैरायटीज इन दी प्लेट। ठीक है, और डाइट में खाने वाला बंदा इधर डाइट चल रही है और इधर बिल्कुल लाइट वेट चल रहा है। मान तो लोड हो गया, चल भाई बैठ जा, सवारी बैठ गई सारी अंदर ये लटकते हुए। गाइस पहुंच गए हैं बस स्टैंड बस पकड़ने के लिए और काफ़ी धूप हो रखी है, गर्मी ज़्यादा हो रखी है तो आँखों में लग रही है। अभी देख लो बस मिल जाती है फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये यहाँ का डिपो, बस डिपो पीछे सारी बसें खड़ी हैं, इसके पीछे बस स्टैंड पूरा डिपो है, तो यहाँ से बसें सारी एग्जिट होती हैं। ठीक है, ये रामनगर का मेन बस स्टॉप है।
मेरा आखिरी क्लास होगा ना लास्ट वाला थैंक यू। तो गाइस जल जीरा पानी। अच्छा डैम वाले रास्ते से जा रहे हैं। यार यहाँ पे भी तो दो दिन में बर्बाद ही करेंगे ना। क्या करना है? चलो बस में बैठ तो गए हैं। अब बस निकल चुकी है, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। लगभग 6-7 घंटे का सफ़र है, पूरा सफ़र बस में ही जाने वाला है। बाकी सारे लोग बैठ गए हैं, एक अच्छा सा व्यू भी देखा हमने। बट वही अपनी गाड़ी से आने की बात कुछ और है और बस से जाने की बात कुछ और है। अपनी गाड़ियों को कहीं भी रोक के जो आप करना चाहो फोटो खींचना है, जैसे भी एक्सप्लोर करना है, सब कुछ करना है। गाइज अभी आप लोगों ने गंगा घाट के दर्शन किए और अभी हम ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, बस रुक के ये ब्रेक के लिए। हम लोग अभी यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चलो चलते हैं अंदर। कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा। सोनू के छोले चाट और एक यहाँ की थाली और वहाँ चाट पुलो रखा है। अरे यहाँ भूख से हालत टाइट है। सफर जहाँ से शुरू हुआ था सफर वहीं ख़त्म हो रहा है। यहीं से बस पकड़े थे और यहीं से अगली बस पकड़ने जा रहे हैं घर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से घर निकल रहे हैं, TTC में बैठ गए, अब घर पहुँचते पहले। इतने सारे टिकट, हम सबके टिकट। मॉर्निंग, कल रात में आया और फिर मैं सो गया। मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि सफ़र पता ही थकान वाला था, क्योंकि बस में आए थे हम लोग और रोडवेज की बस में वैसे ही आप सही से बैठ नहीं पाते। तो रात ही मैं सो गया और मैं फिर वीडियो बना ही नहीं पाया। अभी मैं फ़िलहाल ऑफिस आ गया हूँ। सो ऑल ओवर मज़ा आया होगा आपको इस व्लॉग में और मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली नई लोकेशन के साथ। और इसके बाद भी मैं एक व्लॉग डालूंगा जो आप लोगों ने पहले देखा था, प्रगति मैदान का पहला पार्ट डाला था मैंने, उसका सेकंड पार्ट भी मैं इस व्लॉग के बाद डाल दूंगा। तो आपको मज़ा आएगा इस व्लॉग में भी और उसके बाद वाले व्लॉग में भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।